अब खबरें तफसील से। 21 नवंबर को कर्नाटका राज्योत्सव शानदार पैमाने पर मनाने के लिए रायचूर जिला इंतजामिया ने फैसला किया है। आज जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के इजलास हाल में मुनक़िदा एक इजलास में ये फैसला लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शरद इस इजलास की सदारत कर रहे थे। गुज़श्ता 4 सालों से मौजूदीन को एजाज़ से नवाजे जाने का सिलसिला रुक गया था, इसको फिर से शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस सिलसिले को फिर से शुरू किया जाएगा। इमसाल मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले 17 मौजूदीन को कर्नाटका राज्योत्सव एजाज़ से नवाजने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जिला पंचायत CEO अतुल नलीम की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मुख्तलिफ शोबाजात से मौजूदीन का इंतखाब करेगी। इस मौके पर जिला डिप्टी कमिश्नर ने प्रोग्राम की तफसील पेश करते हुए कहा कि 21 नवंबर को सुबह 7 बजे कर्नाटका संघ से रैली निकाली जाएगी जो पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेगी, जहां सुबह 9 बजे वजीर अफजाइश मवेशा वो रायचूर जिला निगरान कार वजीर वेंकटराव नाड़गौड़ा झंडा लहराएंगे। शाम को शहर के रंग मंदिर में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होंगे। इस इजलास में बल्दिया कमिश्नर रमेश नायक, तहसीलदार अनिल कुमार और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे।